रसधार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन मैन मान बिन दान धन हे नहीं तन छीन होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। गुलिस्तान विवेचन कहें गुलिस्तान चर्चा कहें इस विषय पर अपनी विगत दो दिन से और आज तीसरा दिन है इस पर चर्चा चल रही है। हम सभी का उद्देश्य गुलिस्तानों को समझकर गुलिस्तानातीत होना है, गुलिस्तानातीत स्वभाव को समझना है। गुलिस्तानातीत जो हमारा स्वभाव त्रैकालिक है, अनादि अनंत है, उस स्वभाव की पहचान करना ही हमारा परम कर्तव्य है। भाषा थोड़ी सी अलग टाइप की है इस कक्षा की। यदि दूसरी कक्षाएं चल रही होती कदाचित छह ढाला या अन्य कक्षा तो वहाँ इस भाषा का प्रयोग किया जाता। हम सभी को सुखी होना है और दुख दूर करना है। छेड़ाला चलती तो यही कहा जाता, जित्र हुवन में जीवनंत सुख चाहें दुख तय भयवंत, कि संसार में जितने भी जीव हैं वे सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं और हम भी उन्हीं संसारियों में से हैं जो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख का अभाव कैसे हो उसका उपाय करते हैं, दुख क्यों हो रहा है उसका कारण जानने का प्रयास करते हैं और उन कारणों का अभाव कैसे हो, दुख दूर कैसे हो, यही हमारा प्रयास, हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ निरंतर चलता है। भाषा छेड़ाला की इस तरह की है। यहाँ गुलिस्तान का प्रकरण चल रहा है, यहाँ भाषा थोड़ी अलग तरह की कही जाती है। भाव दोनों का एक ही है। गुलिस्तानातीत हमें होना है अथवा गुलिस्तानातीत हम हैं, इसका मतलब यही है कि उसकी हम पहचान करें तो हम सुखी हो जाएं। और यदि हमने अपने आप को गुलिस्तान रूप मान रखा है, गुलिस्तानों में तन्मयता धारण किए हुए हैं, तो हम दुखी रहेंगे। इसलिए गुलिस्तान को जानकर गुलिस्तानातीत हमें होना है, यही हमारी भावना है, यही हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी गुलिस्तानों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। गुलिस्तान का हमने शब्द का अर्थ भी देखने का प्रयास किया था। गुलिस्तान शब्द का क्या अर्थ है, गुण का अर्थ क्या लिया गया है, भाव, और स्थान का अर्थ क्या लिया है, भेद। भाव से यहां पर क्या लेना, औदयक आदि भाव, जीव के जो औदयक आदि भाव होते हैं, औदयक भाव, औपशमिक भाव, शायक भाव, शायोपशमिक भाव, ये सभी जो जीव के भाव हो रहे हैं ये मोहिनी आदि कर्मों के निमित्त से हो रहे हैं, इन्हीं भावों को कहते हैं गुण। इन भावों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, यहाँ गुण अलग ही चीज है, हम बार बार अच्छे से पक्का निर्णय कर लें। यहाँ गुण का मतलब कोई और चीज नहीं है, यहाँ गुण का मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण नहीं है, यहाँ गुण का मतलब कहीं पुद्गल आदि के स्पर्श आदि गुण नहीं है, धर्म द्रव्य आदि के गुण नहीं है, बल्कि यहाँ पर गुण का अर्थ भाव है। और भाव में भी किसके भाव, कौन से द्रव्य के भाव, जीव द्रव्य के भाव, लेकिन जीव द्रव्य के भाव भी कौन से, जो कर्मों के निमित्त से हो रहे हैं, वो जीव के भाव यहां पर लेना है। और इनको ही, इनकी जो अवस्था कहो, इनके भेद कहो, उसको ही गुणस्थान कहा गया है। तो इस तरह से हमने सामान्य रूप से गुण और स्थान, इसका भाव समझने का प्रयास किया था।
एक परिभाषा और देखी थी, गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। इससे क्या मतलब हुआ? जिन दशाओं के द्वारा, जिन अवस्थाओं के द्वारा जीव पृथक पृथक दिखाई देता है, तो इनके द्वारा पृथक पृथक दिखाई देता है, औदेक के द्वारा पृथक दिखता है, औपशमिक के द्वारा भी पृथक दिखता है, शायक के द्वारा भी पृथक दिखता है, और शायोश्मिक आदि के द्वारा भी पृथक दिखता है। तो इन सभी के द्वारा जीव एक और वही जीव पृथक पृथक दिखाई देता है। जैसे हम भी तो एक हैं, और एक कई बार अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में दिखाई देता है। कभी वही चाचा दिखाई देता है, कभी वह मामा दिखाई देता है, कभी वह पिता दिखाई देता है, कभी वह पुत्र दिखाई देता है, कभी नाना दिखाई देता है, कभी दादा दिखाई देता है। व्यक्ति एक और उसमें अनेक तरह का विभाजन जो दिखाई दे रहा है, इस विभाजन के पीछे कौन है? कौन है विभाजन के पीछे? कोई ना कोई तो है। यदि पिता दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे पुत्र है, यदि मामा दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे भांजा है, यदि नाना दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे नाती कहो, पोता कहो, इसमें सबके अलग अलग हैं सिस्टम, कोई भी कहो। माने इस तरह के विभाजन जो एक ही व्यक्ति में अलग अलग तरह के विभाजन दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई तो है। ऐसे ही कोई व्यक्ति खिलाड़ी दिखाई देता है, वही व्यक्ति कभी सिंगर भी दिखाई देता है, कभी वही म्यूजिशियन दिखाई देता है, कभी वह पढ़ने में क्या कहें शब्द विद्यार्थी दिखाई देता है। तो एक ही व्यक्ति और उसमें अलग अलग प्रसंग में अलग अलग क्वालिटीज दिखाई देती हैं, व्यक्ति एक और उसकी क्वालिटीज अनेक। तो एकता में अनेकता जो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? हम तो भारत की जब चर्चा आती है, देश के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं? अनेकता में देखा जाए तो दोनों ही बातें कथनचित सत्य हैं, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। जीव एक और उसमें उसके भावों की अपेक्षा अनेकता भी दिखाई देती है, और अनेकता होते हुए भी जीव एक से कभी दो या तीन या चार नहीं हुआ है, बल्कि जीव तो एक ही है। ठीक है, ज्यादा कठिन तो नहीं है? बन व्यक्ति एक और उस एक ही व्यक्ति में अनेकता दिखाई दे रही है, अनेक प्रकार से उसमें विभाजन दिखाई दे रहे हैं, तो उन विभाजनों का कारण क्या है? कभी वही बच्चा गंदा दिखाई देता है, कभी वह बच्चा अच्छा दिखाई देता है, तो गंदे पने के पीछे और अच्छे पने के पीछे क्या कारण है? गलत काम किया है तो गंदा, अच्छा काम किया है तो बहुत बढ़िया। व्यक्ति कितने हैं? एक हैं कि दो हैं? एक है कि दो हैं? एक ही है। कितने हैं? गंदा है, अच्छा है, नटखट है, बाचाल है, खिलाड़ी है, अनाड़ी है, सिंगर है, जो भी है, इतनी सारी जो विशेषताएं उसमें दिखाई दे रही हैं, तो इसमें इन सभी में व्यक्ति एक है कि अनेक हैं? जो व्यक्ति एक, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उन कारणों से एक होते हुए भी उसमें अनेकत्व का आभास होता है, अनेकत्व की पहचान होती है। ऐसे ही व्यक्ति तो एक, माने जीव तो एक ही है, लेकिन उस एक जीव में ही अनेक विशेषताएं, कौन सी? औदेक आदि, औपशमिक, शायोश्मिक, शायक, इस तरह की अनेक तरह की जो विशेषताएं हैं कर्मों के निमित्त से जीव के अंदर हो रही हैं, इन विशेषताओं से वही जीव कभी मिथ्यात्व रूप दिखाई देता है, मिथ्या दृष्टि दिखाई देता है, कभी सम्यक दृष्टि दिखाई देता है, कभी मिश्र दशा वाला दिखाई देता है, कभी शासादन सम्यक दृष्टि दिखाई देता है, कभी अवर सम्यक दृष्टि दिखाई देता है, कभी देशवृत्ति दिखाई देता है, कभी प्रमत्त विरत दिखाई देता है, कभी अप्रमत्त विरत दिखाई देता है। कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति एक, लेकिन एक होते हुए भी उसमें अनेकता दिखाई दे रही है, क्या गजब है। लेकिन इन अनेकताओं के अंदर यदि हम जाके देखेंगे अच्छे से, तो देखेंगे तो सब में बिल्कुल एकता ही नजर आएगी, क्योंकि व्यक्ति अनेक होते हुए, अनेकता रूप दिखाई देते हुए भी कभी वह अनेक नहीं होता, बल्कि एक ही रहता है, क्या गजब है। यही तो है सामान्य और विशेष।
एक को देखेंगे तो सामान्य नजर आ जाएगा और उसमें अनेक को देखेंगे तो विशेष नजर आएगा। इस तरह से एक ही में अनेकता की स्थापना यह कर रहा है कौन? गुणस्थान। कल अपन ने एक चीज और देखी थी, इन्हीं गुणस्थानों को और भी नाम दिए गए हैं। कौन से नाम? जीव समास नाम दिया। जीव समास का मतलब तो समझते हैं ना सभी, जीवा समस्यन्ते है, माने जिन समास माने होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त में कहना वो समास कहलाता है। सामान्य व्याकरण तो आपने पढ़ी होगी, शब्द चार हैं और उनको एक बना के हम कह देते हैं। पीला है अंबर जिसका, कितने शब्द हैं? चार। उसको हम एक में कह सकते हैं कि नहीं? किस शब्द में? पीतांबर। शब्द थे चार और उन चारों को हमने संक्षेप किया तो हो गया एक शब्द जिसका नाम है पीतांबर। लंबा है उदर जिसका, अब यहां पर कुछ मत दूसरा मत लगाना है साहब कि क्या बात कर रहे, गुणस्थान पढ़ा रहे और कहां किन किन को बीच में लाते हो। अभी वहां ला रहे हैं, वहां उद्देश्य किसी लाने का नहीं है, वहां तो मात्र समास के बारे में चर्चा करना है कि लंबा है उधर जिसका। शब्द कितने हैं? चार, लेकिन उन चारों का संक्षेप करके अपन ने क्या कह दिया? लंबोदर। ऐसे ही यहां पर भी संक्षेपण किया जा रहा है, जीव अनंत है, अनंत जीवों को संक्षेप में कहा जा रहा है। तो अनंत जीवों को संक्षेप में कहना हो तो किस तरह से अपन ने कहा यहां पर, कितने भागों में बांट दिया उन सबको? मात्र 14 भागों में विभाजित कर दिया, उन 14 अनंत जीवों को 14 के अंतर्गत समेट लिया, संक्षेप कर दिया। इस कारण से इन गुणस्थानों को जीव समास संज्ञा भी दी गई है। ऐसे जीव स्थान भी कहेंगे तो जीवों के स्थान वही है, भेद जीवों के प्रकार समझना चाहिए, भेद समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बात जो कल अभी तक अपन ने पढ़ी थी उसका थोड़ा सा संक्षेप में रिवीजन किया, एक बार पुनः समझ में आ जाए इसके लिए अपन ने बात की। अब अपन एक बार और इतना जितना अपन ने पढ़ा था 5 मिनट में उसका और एक बार देखते हैं, क्योंकि ये पक्का हो जाए तो सही रहे। अपन ने उत्पत्ति की अपेक्षा से भी गुणस्थान की चर्चा की थी, गुणस्थान की परिभाषा देखी थी। परिभाषा, प्रसिद्ध परिभाषा क्या दी गई है? मोह और योग के निमित्त से। अपन को दो यहां रखना है, मोह और योग, ये दोनों क्या हैं? निमित्त हैं। और दूसरी तरफ क्या रखा? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण, वैसे संक्षेप में इतना कहा है, और यदि थोड़ा सा और विस्तार से यदि इसकी प्ररूपणा और करना हो, एक गुण और लिया जा सकता है इसमें, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण और एक और निष्क्रियत्व गुण। कौन सा गुण? निष्क्रियत्व गुण। ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, ये भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसका कारण बताता हूं। जीव के श्रद्धा में जो विकार उत्पन्न करेगा, उस उत्पन्न करने जो निमित्त हुआ वो कौन सा होगा? दर्शन मोह है। श्रद्धा में जो विकार की उत्पत्ति में कारण बनेगा वह होगा दर्शन मोह है। चारित्र में, चारित्र के विकार में जो निमित्त बनेगा वह कौन होगा? चारित्र मोह है। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह है, ये दोनों हो गए श्रद्धा और चारित्र के विकार रूप परिणमन में निमित्त। अब एक और बचा, लेकिन क्या बचा? योग। योग जो है, योग स्वयं में एक विकार ही है, उसके यह जो विकार जो है यह किसके, किसका विकार रूप है? ये किसका है? जैसे दर्शन मोह श्रद्धा का विकार रूप है, चारित्र मोह चारित्र का विकार रूप है, और योग, योग किसका? निष्क्रियत्व गुण का। ठीक है, अपन थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहें तो इस तरह से
निष्क्रियत्व गुण, अभी क्या चीज है ये भी तो समझ लें। निष्क्रियत्व का मतलब है आत्मा के प्रदेशों में स्थिरता होना, आत्मा के प्रदेशों में स्थिरता होना, आत्मा के प्रदेश अचल हो जाना, चंचलपना उनमें नहीं होना, इसका नाम है निष्क्रियत्व गुण, निष्क्रियत्व शक्ति। और उसमें जो विकार उत्पन्न करने वाला है वह है कौन? योग। ठीक है, अब योग क्या है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं भरत भाई। योग क्या होता है? योग के कल अपन ने कितने भेद जाने थे? दो भेद। ये दस भेद गुण स्थान की बार आई तो क्लियर है ना सबको? पक्का? आज कितने लोग नए हैं कल जो नहीं आए थे? चार छह लोग, आठ दस लोग हो गए। चलो पांच मिनट, ओके, जिनका हो गया है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ पांच मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपन एक बार दोहरा लेते हैं पक्का हो जाए, फिर योग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन ने 12 गुण स्थानों की चर्चा की थी, 12 गुण स्थान कैसे बने? पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, नरेंद्र जी पंडित जी साहब। चलिए तो क्या बात करना अपन को, ये 12 गुण स्थान कैसे बने? तो इसमें देखा दर्शन मोहिनी के कितने, मोहिनी कर्म के कितने भेद पहले? दो भेद। मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। इनसे हमें कितने गुण स्थान बनाना है? कितने? 10 बनेंगे, फिर वो उनकी 12 भी कर देंगे अपन। ठीक है, दर्शन मोह के कितने भेद? 3 भेद। दर्शन मोह के कितने भेद? 3 भेद। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक प्रकृति, 3 हो गए। अब इन तीनों में से अब ये जानना है कि पहले नंबर का जो मिथ्यात्व है उसके निमित्त से, उसके उदय से कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान। क्लियर? नंबर 2, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुण स्थान? तीसरा गुण स्थान। बहुत बढ़िया। और सम्यक प्रकृति के उदय से कौन सा गुण स्थान? कोई सा भी नहीं। कितना पक्का हो गया विषय आपका, परीक्षा ले लेंगे तो पास हो जाएंगे सब मुझे लगता है ना। सम्यक प्रकृति की वजह से कोई भी गुण स्थान नहीं, पर्टिकुलर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय चौथे में भी हो सकता है, सायोसमिक सम्यक की अपेक्षा पांचे में भी हो सकता है, छठे में भी हो सकता है और सातवें में भी हो सकता है, इसलिए उसके उदय से पर्टिकुलर कोई गुण स्थान नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, चारित्र मोहिनी में पहला कौन सा भेद? अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, तीसरा प्रत्याख्यानावरण और चौथा संज्वलन। ये सब यहाँ लिखे हैं, अब वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, आपकी तरफ नहीं पहुंच पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ तो पकड़ में आ जाते होंगे, यदि कुछ हो पाए तो उनको बड़ा करें, नहीं हो तो फिर छोटे रहने दें, क्या कर सकते हैं। कितने भेद हो गए? चारित्र मोहिनी के अपन ने 4 भेद जाने और फिर हास्य आदि 9 है ही, उनकी यहां ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 4 भेद गिनाए, अनंतानुबंधी, इसके उदय से कौन सा गुण स्थान? दूसरा गुण स्थान। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो दूसरा गुण स्थान बनता है, अपन देखेंगे आगे और विस्तार से। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से चौथा गुण स्थान। तो अपने कितने हो गए गुण स्थान? 4। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व और चौथा अविरत सम्यक्त, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से 4 हो गए। पांचवा गुण स्थान किसके उदय से? प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। छठवा गुण स्थान, अब यहां पर अपन को संजुलन के 5 भेद करना पड़ेंगे। कितने? 5 भेद। कौन कौन से? संजुलन कषाय का तीव्र उदय 1, संजुलन कषाय का मंद उदय, संजुलन कषाय का मंद तर उदय, संजुलन कषाय का मंद तम उदय और पांचवा सूक्ष्म लोभ। इस तरह से 5 भेद इनके हमें करना पड़ेंगे और उन 5 भेद में एक एक के उदय से एक एक गुण स्थान बनता है।
तो संजलन कषाय का तीव्र उदय होगा तो छठवा बड़े स्थान, मंद उदय होगा तो सातवा बड़े स्थान, मंद तर उदय होगा तो आठवा गुण स्थान, मंद तम उदय होगा तो नौवा गुण स्थान, और सूक्ष्म लोक का उदय होगा तो दसवा गुण स्थान। इस तरह से दस गुण स्थान तो इस प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है, देखो पंजी परिभाषा तो पढ़ लेते हैं, मोह और योग के निमित्त से सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन मोह के निमित्त से गुण स्थान बनते हैं कैसे, वो यहां से अपन को ख्याल में आएगा कि एक एक के कारण से एक एक कौन सा गुण स्थान। तो दर्शन मोह से कितने, दो, और चारित्र मोह से कितने, आठ, कितने हो गए, दस। अब इन्हीं में क्या करना है, ये जितने भी मोहिनी का भेद हुए सारे, इन सभी का क्या करना है, उपशम करना है। मोहिनी का क्या हो गया, उपशम। तो कौन सा गुण स्थान, ग्यारहवा गुण स्थान, जिसका नाम है उपशांत मोह। इन्हीं इसी मोहिनी कर्म का क्या करना है, क्षय करना है, पूरी तरह से अभाव। यदि अभाव होता है तो कौन सा गुण स्थान, बारहवा गुण स्थान, जिसका नाम है क्षीण मोह। ये बारह गुण स्थान हो गए। अब इसके बाद अपन को विषय आगे बढ़ाना है, तेरहवा और चौदहवा गुण स्थान, ये कैसे बनते हैं वो देखते हैं। योग के कितने भेद, दो भेद, योग के दो भेद, कौन कौन से दो, भाव योग और द्रव्य योग। ये भाव योग क्या होता है और द्रव्य योग क्या होता है, संक्षिप्त में इसका भी अपन परिचय कर लें। दर्शन मोह चारित्र मोह की चर्चा इसलिए नहीं की, लगभग सब जानते हैं। भाव योग और द्रव्य योग, भाव योग तो है आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति। देखो यहां लिखा है कर्म ग्रहण शक्ति। भाव योग का मतलब है आत्मा के अंदर ही इस तरह की शक्ति होती है कि जो कर्मों को ग्रहण कर सके। क्या गजब है, माने ऐसी शक्ति आत्मा में स्वयं में है। अपन सोचें कि अरे आत्मा में कर्म को ग्रहण करने की शक्ति कैसे हो सकती है, आत्मा तो निर्विकारी पदार्थ है, उसने तो आज तक कर्मों को ग्रहण किया ही नहीं, आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें तो आज तक मोह राग द्वेष कषायों का प्रवेश हुआ ही नहीं, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, और आप क्या बोल रहे हो कि आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। ये परस्पर बातें तो विरुद्ध दिखाई दे रही हैं, विरुद्ध दिखाई दे रही हैं, लेकिन विरुद्ध है नहीं। जहां अपन परम शुद्ध निश्चय नय को देखते हैं तो परम शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध दिखाई देता है, उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा में तो आज तक कर्मों का ग्रहण हुआ ही नहीं, कर्मों को आज तक आत्मा ने छुआ ही नहीं, स्पर्श नहीं किया, एंट्री नहीं हुई कर्मों की। क्या गजब है, माने देखने वाले की दृष्टि चाहिए कि आत्मा को कौन किस एंगल से देख रहा है। व्यक्ति एक ही होता है, हम सब देखते अलग अलग हैं, सबके चश्मे हमारे अलग अलग हैं। अपन एक के बारे में भी अभी यहां पर किसी को बुलाएं और कहें इनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो बोलो सब एक जैसा बोलेंगे। अभी कहें कि समय सार के बारे में सबको दो दो मिनट बोलना है, सब एक जैसा बोलेंगे। गुण स्थान के बारे में सबको अपने विचार व्यक्त करना है तो सब एक जैसा बोलेंगे, सब अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए हम अपने अपने तरीके से देखते हैं, ऐसे ही आत्मा को भी देखने वाले सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। कौन किस नए से देख रहा है, आत्मा वैसा दिखाई देता है। यदि हम परम शुद्ध निश्चय नए से आत्मा को देखेंगे तो आत्मा निर्विकार त्रिकाल शुद्ध दिखाई देगा, अभेद दिखाई देगा, अखंड दिखाई देगा, ऐसा आत्मा दिखाई देगा। किस नए से देखेंगे, तो परम शुद्ध निश्चय नए से, मैं देखने वाला चाहिए, बस इतनी बात है। लेकिन अभी तो यहां पर अपन आत्मा को इस गुण स्थान आदि के प्रकरण के अनुसार समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस योग के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी अपनी जगह कथन सत्य है। क्या बता रहे हैं भाव योग को, कि आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती है।
ऐसी वैभाविक शक्ति आत्मा के अंदर स्वयं में है। माने विभाव रूप प्रणमन करने की शक्ति भी आत्मा में स्वयं में है और स्वभाव रूप प्रणमन करने की शक्ति भी आत्मा में स्वयं में है। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा प्रणमित हो जाए। जो पुरुषार्थ की भाषा में कहेंगे तो ऐसा कहेंगे, जैसा पुरुषार्थ करे, भवितव्यता और काल्लब्धि से यदि बात करेंगे तो जिस समय प्रणमित होना होगा उस समय होगा, जिस समय होना होगा उस समय की तरफ से बात करेंगे तो काल्लब्धि आ जाएगी, भवितव्यता की तरफ से बात करेंगे तो जो होना है वो हो जाएगा। मैं देखो ये सब समवाय हैं, कहां किस तरह से किस पॉइंट को हाईलाइट करना है वो वक्ता अपने हिसाब से कर सकता है, श्रोता अपने हिसाब से समझ सकते हैं, कोई एकांत कथन तो सर्वथा कहीं है नहीं। ठीक है, तो यहां बात क्या चल रही है, आत्मा में ऐसी शक्ति है जो कर्मों को ग्रहण कर सके। अच्छा मुझे बताओ, कोई कहे नहीं ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है, तो फिर कर्मों को ग्रहण कैसे कर दिया? शक्ति थी तभी तो कर्मों को ग्रहण किया, यदि शक्ति ही ना होती तो कर्मों को ग्रहण कैसे कर सकता था? तो ऐसी आत्मा के अंदर ही ऐसी शक्ति पड़ी हुई है जो आत्मा कर्मों को ग्रहण कर सके, उसको ही कहा है भाव योग। क्या कहा उसको? भाव योग। और दूसरा एक और योग है, कौन सा? द्रव्य योग। द्रव्य योग क्या चीज है? आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना। क्या बोले? आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना। शास्त्र में कई नाम मिलते हैं, कंपन होना, सकंप अवस्था, चंचल होना, चलायमान होना, अथवा और भी सरल कहें घूमते हैं आत्मा के प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेश जो चंचल हो रहे हैं अथवा हिलडुल रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, चलायमान हो रहे हैं, तो ये जो आत्मा के प्रदेशों की जो चंचलता है, सकंपपना है, उसका नाम कहलाता है द्रव्य योग। ठीक है, ज्यादा कठिन तो नहीं है? कोई तमिल का तो नहीं बैठा यहां है क्या? अच्छा, हिंदी तो आने लगी ना अब। बहुत बढ़िया, वो एक था ना कनिष्ठ, सेकंड ईयर में आ गया क्या? हाँ, वो तो कनिष्ठ में ही था तो हिंदी जानता था। चलो क्लियर, द्रव्य योग किसे कहा? आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, सकंपपना, अथवा हिलते डुलते हैं, चलायमानपना, आत्मा के प्रदेशों का घूमना भी कह सकते हैं, सब तरफ से घूमते हैं, ये कहलाता है द्रव्य योग। क्या गजब है, एक है भाव योग जिसमें कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती है, एक द्रव्य योग है जिसमें आत्मा के प्रदेश चलायमान होते हैं, और इसमें इनका जो आश्रय कहो अथवा निमित्त कहो वो कौन है? मन वचन काय। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वो चलायमान होते हैं, और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? क्या होता है इससे? कर्मों को खींचता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन नहीं देखा, एग्जॉस्ट फैन बटन दबाते हैं, एग्जॉस्ट फैन चालू होता है तो क्या करता है? क्या करता है? हवा को खींचता है, खींचता है ना। ऐसे ही ये भी एग्जॉस्ट फैन की तरह ही है। कौन? क्या? द्रव्य योग। द्रव्य योग जो है, आत्मा के प्रदेश जब चंचल हो रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, उस कारण से आत्मा के प्रदेशों की जो सकंप अवस्था हो रही है, उस सकंप अवस्था से कर्मों को आकर्षित किया जा रहा है, कर्म आकर्षित हो रहे हैं और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाहपने को प्राप्त हो जाते हैं। क्या गजब है, ऐसी विधि है। माने कर्मों का जो आश्रय हो रहा है, कर्मों का जो ग्रहण हो रहा है, उसका कारण है आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना, चंचल होना, और ये सब मनोवचन काय के निमित्त से होते हैं और आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है। ठीक है, विस्तार तो इसका जितना करेंगे वो विषय उस रूप में चला जाएगा, हमारा विषय गुण स्थान का है। ठीक है,
इसलिए यहीं आते हैं वापस। बात करना है हमें ये जो योग है, योग हमें समझना था, भाव योग समझा, द्रव्य योग समझा, और इसमें अपन ने निमित्त समझ ली मन वचन काय। अब योग का सद्भाव, योग का सद्भाव, योग रहता है, इस योग के सद्भाव से बनता है तेरवा गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? तेरवा। कोई इसमें प्रश्न कर सकता है कि योग का सद्भाव तो उसके पहले भी था, बारहवें में भी था, ग्यारहवें में भी था, दसवें में भी था, नौवें में भी था, और यहां क्या बात करें, पहले गुण स्थान से ही था। योग तो पहले गुण स्थान से ही है, लेकिन यहां पर उसकी मुख्यता नहीं की गई, क्योंकि वहां कषाय की मुख्यता से चर्चा की गई। तो पहले के जो गुण स्थान है उनको कषाय की मुख्यता से रखा गया है, मुख्यता, क्योंकि योग तो वहां पर भी था, लेकिन यहां पर मोह की चर्चा हो गई बारहवें गुण स्थान तक। अब इसके बाद योग की चर्चा मुख्यता से तेरहवें चौदहवें गुण स्थान के लिए की गई है। कोई ऐसा ना समझ ले सर्वथा कैसा कि योग तो तेरहवें चौदहवें में ही होता है, तेरहवें चौदहवें मात्र में नहीं होता है, योग तो पहले से ही है। और कहां तक होता है योग? तेरहवें में और चौदहवें में, चौदहवें में भी होता है, तेरहवें गुण स्थान तक योग होता है, ठीक है। लेकिन यहां तेरहवें गुण स्थान की चर्चा योग के सद्भाव की मुख्यता से है, तो योग है इस कारण से तेरवा गुण स्थान होता है, जिसका नाम ही क्या है? सयोग। सयोग केवली भी जोड़ दो, केवल ज्ञान सहित होते हैं इसलिए वो सयोग केवली। और उसी योग का जब अभाव होता है, असद्भाव होता है, तो उससे गुण स्थान बनता है चौदहवें नंबर का, जिसका नाम है अयोग, अर्थात अयोग केवली। इस तरह से ये चौदह गुण स्थानों की संरचना अथवा उत्पत्ति इस तरह से होती है, जो अपन ने अभी तक पढ़ी थी कि मोह और योग के निमित्त से। इतनी दो बातें थी ना, मोह और योग के निमित्त से। तो मोह और योग के निमित्त से कैसे चौदह गुण स्थान बनते हैं, उनकी चर्चा अपन ने अभी कर ली, ठीक है, ओके। अब अपन विषय आगे बढ़ाना है, अगला पेज अपन देखते हैं, अगले पेज को भी अपन थोड़ा स्किप करेंगे। क्या चीज? अगला बढ़ा दें, हाँ इसको देखें, बस बस बस, रुक जाओ भी। गुण स्थान कितने? उत्तर तो आपके सामने है, ऐसे ही होता है कई बार, चलाने वाला हमारा गड़बड़ कर देता है हिसाब किताब है ना, कुछ हमें सस्पेंस रखना पड़ता है, वो सस्पेंस ओपन हो जाता है। प्रश्न मेरा है गुण स्थान कितने, गुण स्थान कितने? आपको लग रहा होगा सामने तो लिख गया, आप क्या बता रहे हो, क्या पूछ रहे हो, है अच्युतकांत है, क्या लिखा है, गुण स्थान कितने? अब लिखाई है तो बोल ही दो, कोई नहीं बोल रहा है, कुछ सस्पेंस है इसमें भी। गुण स्थान कितने भेद होते हैं? अच्छा नहीं दिख रहा क्या? बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं इसलिए। गुण स्थान के कितने भेद लिखे हैं? 14 भेद हैं। कितने लिखे? 11 कौन बोल रहा है? 14 भेद लिखे हैं गुण स्थान के कितने भेद? ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो 14 भेद कहे हैं ये भी उसी तरह से हैं जिस तरह द्रव्यों के 6 भेद हैं, ठीक है। द्रव्यों के 6 भेद नहीं हैं, द्रव्य तो हैं अनंत अनंत, लेकिन जाति अपेक्षा से 6 मतलब 6 प्रकार के। वास्तव में शब्द का सही प्रयोग तो होना चाहिए 6 प्रकार के हैं, अपन बोल देते हैं 6 होते हैं जाति अपेक्षा से, 6 प्रकार के हैं वो। तो जैसे अनंत अनंत द्रव्य होते हुए उनको 6 प्रकार का कहा, ऐसे ही गुण स्थान भी बहुत हैं। अब बहुत हैं वो कितने हैं और देखेंगे अपन अभी, लेकिन उनको भी एक तरह से जाति अपेक्षा से
उनको 14 प्रकार का कहा जाता है, क्योंकि एक एक गुण स्थान, जैसे पहला गुण स्थान है तो ये मत समझना कि गुण स्थान वो एक ही है, एक एक गुण स्थान के भी बहुत सारे भेद बनते हैं। है? अभी अपन देखेंगे कितने बन सकते हैं। अभी दूसरे पॉइंट से अपन बात करते हैं। सामान्य रूप से तो देखा हमने गुण स्थान के कितने भेद हो गए, 14 भेद हो गए। अब इसको और यदि अपन आगे बढ़ाएं तो गुण स्थान के और कितने भेद हो सकते हैं, लिखा है क्या? अरे यार तुम लोग तो ऐसे ही चलाते हो, हम यहां प्रश्न पूछते हैं वहां जवाब आ जाता है, कुछ बचे ही नहीं। चलिए ठीक है, नया नया है सिस्टम शुरू, धीरे धीरे होगा आगे। तो दूसरा क्या बता दिया, कितने भेद हैं गुण स्थान के, असंख्यात भेद होते हैं। ये सामान्य रूप से असंख्यात कहा, और कहें तो असंख्यात लोक प्रमाण, कितने, इतने भेद गुण स्थानों के हो सकते हैं। इससे आप ये समझें कि एक एक जो गुण स्थान कहा जा रहा है, मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, इन सबके असंख्यात असंख्यात भेद होते हैं। माने एक मत समझना, उन सबको संक्षेप करके, है ना, जैसे जीव समास होता है ऐसे ये भी गुण स्थान भी जीव समास ही है, तो इनको भी संक्षेप में 14 रूप में कह दिया है। तो कितने, असंख्यात लोक प्रमाण, संक्षेप में उनको अपन असंख्यात भी कह सकते हैं। अब तीसरे बिंदु से अपन आगे बढ़ें। अच्छा, ये ख्याल में तो आता होगा ना, असंख्यात कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है ये असंख्यात कैसे, क्योंकि तो अभी तो अपन ने देखा था कि एक एक के उदय से एक एक गुण स्थान बन रहा है, मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान सासाधन सम्यक्त, दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुण स्थान, तो ये एक एक के असंख्यात भेद कैसे हो जाएंगे, क्योंकि कषायों के भी, एक एक कषाय के भी असंख्यात भेद होते हैं। क्रोध के असंख्यात भेद, मान के असंख्यात भेद, माया के असंख्यात भेद, लोभ के असंख्यात भेद, पन इनके भेद करें तो पता चले कि कितने प्रकार की क्रोधादि कषायें होती हैं। क्या गजब है, अपन तो ऐसे ऐसे भावभाषण नहीं होता, यदि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखें तो एक एक के भी असंख्यात प्रकार दिखाई देते हैं। राग असंख्यात प्रकार का है, द्वेष असंख्यात प्रकार का है। एक छोटे से उदाहरण से बस देख लेते हैं, सामान्य भाव भाषण हो जाए तो पता चलेगा कि ये भी असंख्यात प्रकार के कैसे हो सकते हैं। यदि हम कहीं पर दुकान पे गए कपड़े खरीदने, कोई एक शर्ट पसंद आई, खरीदने वाले थे और दूसरी शर्ट देखी, फिर तीसरी शर्ट देखी, देखते गए देखते गए देखते गए, पसंद आती गई, ऐसा लगा अब ये नहीं अब वो, अब ये नहीं अब वो, अब ये नहीं अब वो, पहले वो भी अच्छी थी, फिर दूसरी देखी वो भी अच्छी थी, फिर तीसरी देखी वे और अच्छी थी, फिर अगली देखी और अच्छी थी। इन सब में जो इष्टपना जो अलग अलग वैरायटी का होता चला जा रहा है, यदि अपन सैकड़ों सेट को वहां पर रख दें और उनकी लिस्ट बनवाएं कि सबसे अच्छी से लेकर डाउन तक आप इसको नंबरिंग कीजिए, बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो कितने प्रकार का राग हो गया वहां, 100 साइट में 100 प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया। साइट में तो ठीक है, साइट में तो फिर भी जल्दी पसंद कर लेते हैं, और साड़ियों में है कितने प्रकार का होता है, अनगिनत गिनती नहीं होती है असंतुष्टि, ये नहीं इतनी उतनी उतनी पटकवाते जाओ जितनी चाहे, कहीं कोई एंड नहीं समझ में आता है, जबरदस्ती में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। माने अपन विचार करें कि जहां एक चीज में अपन इतनी वैरायटी का राग, और उसमें जब एक में ज्यादा राग है तो दूसरे में कहीं ना कहीं द्वेष भी हो जाता है, ऐसा राग भी बहुत वैरायटी का, द्वेष भी बहुत वैरायटी का, ऐसा ही क्रोध मान माया लोभ। अच्छा देखें अपन कि हमें क्रोध आता है ना, कई बार सब पे एक जैसा आता है, बिल्कुल नहीं आता। यदि हम क्रोध करते हैं तो सब पे अलग अलग प्रकार का क्रोध आता है, अलग अलग समयों में भी अलग अलग प्रकार का आता है, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का आता है, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का आता है, किसी काल में किसी प्रकार का आता है, किसी व्यक्ति को देख के किसी प्रकार का आता है, क्रोध के भी ढेरों प्रकार हैं।
ऐसे मान के भी अनेक अनेक प्रकार हैं। हम यदि किसी पोस्ट पर हैं और ऐसी सभा हो सकता है इस सभा में हमारी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो तो हमें लगेगा ठीक है चलो नाम ले लिया ओके डन, और हमारे गांव की सभा हो और हम वहाँ पर कोई मंत्री हों, संयोजक हों, अध्यक्ष हों और हमारी उस सभा में पूछा ना जाए तो क्या होगा? अच्छा यहाँ नहीं पूछा चलेगा ठीक है कोई बात नहीं, और वहाँ कितनी टेंशन होगी। माने मान भी कितनी वैरायटी कह दी अपन देखें तो कहाँ कहाँ कितने प्रकार का मान दिखाई देता है वो है, वो तो अपन महसूस कर सकते हर जगह हर परिस्थिति के अनुसार। तो मान ऐसे ही क्रोध मान मायाचारी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की ऐसी लोक कषाय भी ऐसी होती है। तो ये तो अपन संक्षेप में उदाहरणों से समझ रहे हैं, यदि विस्तार से देखा जाए तो असंख्यात असंख्यात भेद बनते हैं और जितनी तरह के इनकी कषायों के भेद बनेंगे उतनी तरह के गुणस्थान बन जाएंगे, क्योंकि तो सारे के सारे गुणस्थान किससे बन रहे हैं? ये मोह योग के निमित्त से तो बन रहे हैं, दर्शन मोह चारित्र मोह से ही तो बन रहे हैं, उधर वो योग भी ले लिया तो इन सभी के निमित्त से गुणस्थान बन रहे हैं। तो जितने तरह की कषायें होंगी राग द्वेष होंगे विकारी परिणाम होंगे, इन्हीं में औदयक आदि भाव लगा दो औसमिक भाव आदि लगा दो, इस सारे भावों के अनुसार कितने गुणस्थान बनेंगे गिन नहीं सकते हम है? ये मति श्रुत ज्ञानियों का विषय भी नहीं है, है? ये सब अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी केवल ज्ञानी का विषय है। माने ये असंख्यात भेद इस तरह से इन गुणस्थानों के बन जाते हैं। और आगे बढ़े है गुणस्थान के, बढ़ा दिया क्या आगे? नहीं बढ़ाया, चलो बहुत बढ़िया। गुणस्थान के और यदि भेद बनाए तो कितने भेद बन सकते हैं? कितने भेद? अनंत भेद भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कैसे भेद बन अनंत कैसे बन सकते हैं? अनंत जी बहुत बढ़िया, अनंत जीवों की अपेक्षा से गुणस्थान के अनंत भेद भी बन सकते हैं, क्योंकि अनंत जीव हैं तो हिसाब से यदि उन सबको जोड़ा जाए तो अनंत भेद भी बन जाते हैं। इस तरह से अपन ने गुणस्थान के सामान्य रूप से 14 भेद जाने, फिर थोड़ा और विशेष में असंख्यात और विशेष में अनंत भेद जानने का प्रयास किया। थोड़े से वो 14 भेदों के नाम भी अपन एक बार काउंट कर लेते हैं गिन लेते हैं फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। ये आपके सामने हैं, आगे निकाल दो सारे, ये अपने थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, इसके लिए ये वाली पिक्चर अपन ने देखी है ना, लगे कि हाँ हम उसी काल में हैं अभी, कोई अगले काल में आगे नहीं बढ़े हैं, है ना, अन्ना जी के ही ज़माने के हैं। ये गुणस्थान की किताबें याद आती रहे इसलिए पिक्चर यहाँ देखें। यद्यपि इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ दिख रही ना, तो हो सकता है कई लोगों के दिमाग में एक इमेज ऐसी बनती है गुणस्थानों की भी ऐसी क्रमशः सीढ़ियां बनी होंगी, कहां तक पहुंचाएंगी हैं? पहले से लेके चढ़ते चले जाएंगे और यहां से श्रावक हैं, कौन से गुणस्थान वाले हैं श्रावक? कौन से गुणस्थान वाले? क्या कपड़े पहने हैं? है? धोती कुर्ता और ऊपर से, तो ये कौन से गुणस्थान वाले? कपड़े पहने इसलिए, कपड़े पहनने से नहीं है, ठीक है, एक तो कपड़े पहनने से नहीं है और कपड़े उतारने से भी गुणस्थान नहीं है, वहां अंदर विशुद्धि का ही सारा खेल है, एक तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब ये अपन देखेंगे गुणस्थान ऊपर बढ़ते हैं तो कैसे और घटते हैं तो कैसे, उसका भी कारण देखेंगे। तो ये कपड़े पहनने और कपड़े उतारने से गुणस्थानों का कोई संबंध नहीं है, एक तो हमें इसमें ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो चित्र बना हुआ है, एक दो तीन चार गुणस्थान ऐसी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो ऐसी अपन भी एक दो तीन ऐसी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते और कहां चले जाएंगे? सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। अच्छा ऐसी सीढ़ी चढ़ेंगे अपन? अच्छा मुझे बता दो ये जो सीढ़ियां बनी हो कोई चढ़ के बता दे, पहली से दूसरी सीढ़ी चढ़ के बता दे, कोई चढ़ सकता है? फिर क्या गजब है, सीढ़ी ऐसी बनी है ऐसा लगता है कि एक से दूसरी चढ़ना है, दूसरी से तीसरी चढ़ना है, तीसरी से चौथी चढ़ना है, चौथी से पांचवी चढ़ना है, इस तरह की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये इसको दिखाने का उद्देश्य कुछ अलग है, इसको दिखाने का उद्देश्य अलग है, लेकिन कोई अलग रूप में ना समझ ले कि इस तरह से एक के बाद दो तीन चार ऐसी सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं,
ऐसा यहां भी प्राय नहीं समझना है, क्योंकि ये पक्का नियम है कि पहले गुणे स्थान से दूसरे में कभी कोई जा ही नहीं सकता। क्या गजब है, पहले से दूसरे में कभी जा ही नहीं सकते, भले ही वहां पर चित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर क्यों बनाया, क्यों बनाया, उसका भी कारण है, गलत नहीं बना है। तो वहां समझना पड़ेगा कि वहां जो चित्र बनाया है उसकी विवक्षा अलग है, लेकिन पहले से दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो ऐसा भी नहीं है। एक पॉइंट। नंबर दो, दूसरे से तीसरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते? दूसरी से तीसरी सीढ़ी भी ये जो दिखाई दे रही है कोई नहीं चढ़ सकता कभी। अच्छा, पहली से दूसरी नहीं चढ़ सकते, दूसरी से तीसरी नहीं चढ़ सकते, और तीसरी से चौथी, तीसरे से चौथी बोलो, कोई कोई तो बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और कोई कोई ना भी बोल रहे हैं, कोई सस्पेंस में है, बोलें कि नहीं बोलें, बड़ी समस्या है, बोल दिया और गलत हो गया तो। अच्छा, अपन ये क्यों सोचते हैं बोल दिया और गलत हो गया तो, ये क्यों नहीं सोचते बोल दिया और सही हो गया तो, है? सही हो गया तो इनाम मिलेगा, और गलत हो गया तो कोई फाइन थोड़ी ले रहा है, यहां क्या तो इनाम भी तो नहीं मिल रहा है, है? क्या प्रश्न क्या है, तीसरे गुणे स्थान से चौथे में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? इसमें तीसरे से जाएंगे ही ऐसा नियम नहीं, लेकिन तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, है ना, सकते हैं। देखो, कहीं तो लगेगा बिल्कुल एक्यूरेट नियम और कहीं लगेगा संभावना वाला नियम, ठीक है। जैसे पहले से दूसरे में जा ही नहीं सकते, दूसरे से तीसरे में जा ही नहीं सकते, एकदम एक्यूरेट। तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, जा सकते हैं, ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, चौथे से पांचवे में, चौथे से पांचवे में जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पांचवे से छठे में, तो एक ही लाइन में जवाब आ गया सबका, पांचवे से छठे में। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि अपनी जो सभा है इतनी प्रबुद्ध तो है कि सब समझते हैं कि वास्तव में स्वरूप क्या है। जो इतना बेसिक ज्ञान तो चाहिए ही, आज दादा का कितना बढ़िया चल रहा था विषय, लेकिन वहां देखा कितनी जगह गुणिस्थान गुणिस्थान आया। जब प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही थी, सामव्यहारिक प्रत्यक्ष, फिर दूसरा एक और कौन सा प्रत्यक्ष, चलो एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और एक और कौन सा प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, इतने सब जगह आई थी ना गुणिस्थान की बात, कौन सा प्रत्यक्ष कहां होता है, कौन से गुणिस्थान में होता है। अब जिनको गुणिस्थान की पता ही नहीं होगी, गुणिस्थान के बारे में जानकारी नहीं होगी, वो क्या सोच रहा होगा, ये तो हालत उनके जैसी होगी कि पंडित जी मेरा तो नहीं आ गया। अच्छा, इन लोगों को बताया नहीं चाहिए, कई पुराने लोगों को तो पता होगा, जब उन्होंने पूछा ना कि आपका गुणिस्थान कौन सा है, एक ब्रह्मचारी जी ने पूछा है कि आपका गुणिस्थान कौन सा है, तो क्या बोले, अरे पंडित जी हमारा कहाँ, हम तो अज्ञानी बैठे, हमारा तो आखिरी होगा, पहले नंबर तो आपका ही होगा, ले क्या गजब है, माने जिसको गुणिस्थानों की जानकारी नहीं है, कोई उसके संबंध में जानता नहीं है, तो वो तो यही कहेगा ना, सामने वाले को पहला नंबर दे रहा है तो इसका मतलब वो इनाम देने की सोच रहा है, लेकिन पता चला कि उसको फाइन लग रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है, हैं? और खुद को क्या कह रहा है, हम तो अज्ञानी ठहरे पंडित जी, और हमारा तो आखिरी होगा। अरे वाह, आखिरी होगा कि बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, है? मतलब जिसको जानकारी नहीं है सही, उनकी हालत ऐसी होने वाली है। इसलिए बेसिक ज्ञान तो चाहिए, है ना, जैसे सुबह चल रहा था प्रवचन में दादा के, तो इतना जिसका नॉलेज होगा तो उनके प्रवचनों को भी ग्रहण कर सकेगा, नहीं तो कहां से पकड़ में आने वाला है, इसलिए इतनी जानकारी तो हो ही हो। तो बात अपनी कहां चल रही है, पांचवे गुण स्थान से छठवे गुण स्थान में जा सकते हैं क्या, अरे नहीं,
अच्छा कोई है हाँ कहने वाला? आप कह रहे हैं कि हाँ जा सकते हैं पांचवे से छठे में, और कोई बोल रहा है? और कोई है? एक उम्मीदवार तो मिल गए हमें और कोई नहीं कह रहा है? पांचवे से छठवें बड़े स्थान में कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। हो सकता है उन्होंने पता तो होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो अपन बोल दो, थोड़ा माहौल बने है ना। मैंने देखा कई बार कई लोगों को पता रहता है थोड़ा सा, है ना। आजकल सेठी जी कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं तो बीच बीच में पहले अच्छा माहौल बना देते थे सभा में। चलिए तो क्या बोले, पांचवे से छठे में जा ही नहीं सकते, छठवे से सातवे में जा सकते हैं, जाएंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं, जा सकते हैं। फिर आगे बढ़े, सातवें से आठवें में जा सकते हैं, आठवें से नौवें में जा सकते हैं, आठवें से नौवें में। यहां लेकिन थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो कुछ अलग नियम बनते हैं, अभी सामान्य नियम चल रहा है ना। आठवें से नौवें में जा सकते हैं, नौवें से दसवें में जा सकते हैं, दसवें से ग्यारहवें में उपसम श्रेणी वाले होंगे तो, और इधर नहीं तो छपक श्रेणी वाले होंगे तो। देखो छपक श्रेणी वाले का अलग सिस्टम चलता है, यहां आठवें से नौवें में जाएंगे ही, नौवें से दसवें में जाएंगे ही, दसवें से ग्यारहवें में जाएंगे ही नहीं, दसवें से बारहवें में जाएंगे ही। कोई कोई ऐसा सोच रहा होगा क्या बोल रहे हैं, कहां की भाषा। नए नए श्रोता होंगे सही में, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो नए श्रोता होंगे वो तो इतना तो जरूर सोचते होंगे, कोई ना कोई तो होगा, सबका नहीं कह सकता, कहां फंसे, कौन सी भाषा चल रही है, कौन सा विषय चल रहा है। हम तो सोचते थे कि वहां जयपुर शिविर में जाएंगे और आत्मकल्याण की बात मिलेगी, सुखी होने का उपाय मिलेगा, लेकिन यहां तो एक शब्द नहीं आया कि सुखी कैसे हो है। अरे शब्द भले ही नहीं आ रहे हैं, भाषा भले ही वो नहीं आ रही है, लेकिन चल रहा है वही सब कुछ। तो जो कक्षाएं अलग अलग होती हैं, किसी क्लास में कोई भाषा बोली जाती है, भाषा हिंदी ही है, भाषा का मतलब ये मत समझना कि कहीं अंग्रेजी कहीं हिंदी कहीं संस्कृत, भाषा तो सब जगह हिंदी है, लेकिन वो शब्दावली का प्रयोग यहां हो रहा है, यहां पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुख से दूर करके और सुखी होने का ही उपाय बताया जा रहा है। जो अन्य समयसार आदि ग्रंथों पर चलेगा या अन्य नए चक्र या क्रमबद्ध पर्याय पर चलेगा, जहां पर भी चलेगा विषय, वहां सब में भाषा शब्दावली अलग अलग तरह की होगी, लेकिन सबका भाव और उद्देश्य एक ही है। जैसे अनियोग चार होते हैं, अनियोग चारों अनियोगों का प्रयोजन एक ही है, ऐसा नहीं कि इनको बस कहानियां सुनाना है, कहानियां सुनाने का उद्देश्य सब कहानियां सुनाना नहीं है, कहानी सुना के धीरे धीरे उस जीव को जो प्रथम भूमिका में एंट्री की है उसको इन कहानियों के माध्यम से, जैसे उन्होंने पंचतंत्र के माध्यम से उन जानवरों की कहानियां बना बना के उसकी उस तरफ लाए, ऐसे इन कहानियों के माध्यम से वीतरागता को हितकर बता के मोक्ष मार्ग की ओर ही ले गए हैं। ऐसे चरणानुयोग में, कर्णानुयोग में और द्रव्यानुयोग में सर्वत्र वही विधि है। तो यहां पर भी भाषा शब्दावली भले ही अलग अलग हो, लेकिन शब्दावली अलग होने पर भी भाव सबका एक ही है, उद्देश्य सबका एक ही है, हमें सुखी होना है, और सुखी हम इस क्रम से भी समझ के हो सकते हैं। ठीक है, तो बात कहां चल रही थी, कहां से कहां तक जा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ना दो मिनट में अपन पूरा करते हैं, कहां से दसवें से कहां जाएंगे सीधा, शपक श्रेणी का होगा तो सीधे बारहवें में जाएंगे ही, और उपसम श्रेणी वाले होंगे तो दसवें से ग्यारहवें में जा सकते हैं। अच्छा बारहवें से तेरहवें में जाएंगे ही, बारहवें से तेरहवें में जाएंगे ही, तेरहवें से चौदहवें में
जाएंगे ही। और 14वें से 15वें में 15वां नहीं होता, 14वें से सीधे सिद्ध बनेंगे ही। क्या गजब है, हो गया ना सर्वोत्कृष्ट सुख, अनंत अव्यवाद सुख हो गया। तो यही तो है। और देखो वास्तव में जाने के लिए ऐसी सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, और न ऐसी कोई सीढ़ियां कहीं पर बनी हुई हैं, नहीं तो कोई शोध खोज करने लग जाए। अभी बीच बीच में ऐसे कुछ आए थे ना, वो उस पर कौन सा डिस्कवरी चैनल कहाँ कहाँ के चलते हैं, वो ने स्वर्ग की सीढ़ियां ढूंढ ली, पता नहीं क्या क्या कुछ भी आ सकता है। लेकिन ना ऐसी कोई स्वर्ग की सीढ़ियां होती हैं, और मोक्ष की सीढ़ियां भी नहीं होती हैं। वो भी समझाने के लिए बता दिया है छहढाला में, नहीं तो कोई समझे कि पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन बनी हुई होगी कहीं पर, सम्यक ज्ञान बनी हुई होगी, सम्यक चरित्र बनी हुई होगी, ऐसी सीढ़ियां कहीं नहीं बनी हैं, मात्र समझाने के लिए कहा है। ऐसी ये भी सीढ़ियां कहीं बनी नहीं हुई हैं, ये सब की सब कहां बनी हैं, कैसे बनी हैं, इस तरह का कहीं पर भी हमें उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब जीव के भावों में ही है। कहां है सारा? जीव के भावों में है। अब कैसे है ये जीव के भावों में ही, इस तरह का निर्माण कैसे होता है, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी का समय हो गया। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। ऊपर भक्ति का समय हो गया, जा सकते हैं।